हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स के कुछ अमेंडमेंट आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो नवंबर 17 के लिए सिर्फ एक अमेंडमेंट है या फिर एक सीएनसीट का क्लैरिफिकेशन है, वो रिलेवेंट है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। नवंबर 17 के लिए प्रोफेशनल एथिक्स में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का क्लैरिफिकेशन आया है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मई 17 में कुछ अमेंडमेंट्स थे, कुछ क्लैरिफिकेशंस थे, ये हम लोग हमारे वीडियोस में कवर कर चुके, वी हैव कवर्ड देम। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं और एक बार इसको शॉर्ट में रिकॉर्ड करके और क्लैरिटी ला सकता हूँ। तो जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मई 17 कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ मेरे तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपको, कि इसको याद ऐसे रखना चाहिए, इसको ऐसे समझना चाहिए, तो मैं वो भी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। कि भाई रिकॉर्ड कर ही रहा था तो नवंबर 17 की छोटी सी चीज़ है वो भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, और मई 17 की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस है, वो भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहली चीज़, सीए इंस्टीट्यूट ने प्रोफेसर्स के लिए, सीए इंस्टीट्यूट ने प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट लाया है, करेक्ट। तो क्या अनाउंसमेंट लाया है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज 11 ऐसा बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस ने सिर्फ प्रैक्टिस वाला काम करना चाहिए, उसने और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट अगर सीए इंस्टीट्यूट परमिशन दे तो दूसरे काम भी कर सकता है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने क्लॉज 11 के अंदर, रेगुलेशन 190A बनाया और उसके हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जनरल परमिशन दी है, मतलब बिना प्रायर अप्रूवल के आप काम कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, और स्पेसिफिक परमिशन दी है, मतलब जहां पे प्रायर अप्रूवल आपको लगता है, वी ऑल नो दैट। तो वहां पे टीचिंग के बारे में क्या बोला है, सीए इन प्रैक्टिस पढ़ा सकता है, ही कैन टीच, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा सकता है, ही कैन टीच। अच्छा, और एक बात, ये पर्टिकुलर नोट्स आपको हमारे वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे, इट इज अवेलेबल, अमेंडमेंट्स करके नोट्स रहेंगे उसके अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सीए इन प्रैक्टिस पढ़ा सकता है, ही कैन टीच, बिना किसी अप्रूवल के ही कैन डू टीचिंग एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ट्यूटरशिप। कुछ लोगों को अपने घर पे बुलाया, कुछ लोगों को जमा किया और उनको पढ़ा दिया, सीए इन प्रैक्टिस प्राइवेट ट्यूटरशिप कर सकता है बिना किसी अप्रूवल के। सीए इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर सीए इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम ट्यूटरशिप भी कर सकता है, सीए इंस्टीट्यूट में ITT, OT और बाकी कोर्सेज होते हैं उसमें भी पढ़ा सकता है बिना प्रायर अप्रूवल के। प्राइवेट ट्यूटरशिप करनी है, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, सीए इंस्टीट्यूट के अंदर जाके पढ़ाना है, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर आपको किसी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आपको पढ़ाना है, किसी उनके बैनर के अंदर पढ़ाना है, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, सी इन प्रैक्टिस जो है, उन सबको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये पहले से बातें हैं, उसमें भी ऐसा लिखा है, इट इज स्पेसिफाइड कि अगर आप, ठीक है, टीचिंग कर रहे हो, प्राइवेट ट्यूटरशिप करो, इंस्टीट्यूट के साथ करो, अलग करो, जो भी टीचिंग करो, ठीक है, बिना अप्रूवल लिए जो टीचिंग हो सकती है, अप्रूवल के साथ जो टीचिंग हो सकती है, अगर आप 25 आवर्स पर वीक
आवर्स पर वीक की अगर अगर आप इस 25 आवर्स पर वीक ये जो लिमिट है इसको अगर आप एक्सीड करते हो, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ाते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि पढ़ाना आपका मेन काम है और आपको पार्ट टाइम सीओपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपकी जो सीओपी है उसको हम पार्ट टाइम सीओपी मानेंगे। पार्ट टाइम सीओपी में सीए पार्टनर रह सकता है, ही कैन बी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ही कैन डू कंसल्टेंसी वर्क, बट ही कैनॉट डू अटेस्ट फंक्शन। अटेस्ट फंक्शन नहीं कर सकता, ही कैनॉट साइन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाई द लॉ, और ही कैनॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट विच गिव्स अश्योरेंस टू पब्लिक एट लार्ज। अश्योरेंस होता है, वो नहीं कर सकता, अटेस्ट फंक्शन वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब देन वी हैव फर्स्ट शेड्यूल। नोट्स में कहीं कहीं पे टाइपो मिस्टेक है तो वो आप इग्नोर करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज सिक्स, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज सिक्स। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सीए इन प्रैक्टिस ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करना चाहिए थ्रू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने पहले याद दिलाया कि देखो क्लॉज 11 में टीचिंग के बारे में क्या लिखा है, फिर याद दिलाया कि क्लॉज 6 में देखो एडवर्टीजमेंट के बारे में क्या लिखा है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए इन प्रैक्टिस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका नाम, उनका उनका नाम, उनका फोटोग्राफ, उनका एसोसिएशन, जो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका नाम, उनका फोटोग्राफ, उनका एसोसिएशन नहीं आना चाहिए कोचिंग क्लासेस के होर्डिंग्स में, कोचिंग क्लासेस के होर्डिंग्स में, कोचिंग क्लासेस के पोस्टर्स में, कोचिंग क्लासेस के बैनर्स में, कहीं पर भी, ठीक है, उनका नाम, उनका एसोसिएशन, उनका फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ना होर्डिंग में, ना पोस्टर में, ना बैनर्स में, कहीं पर भी नाम नहीं आना चाहिए, फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, अपने कोचिंग क्लासेस के सामने, अपने कोचिंग क्लासेस के सामने वो जो बोर्ड लगाएंगे उसमें सिर्फ कोचिंग क्लासेस का नाम और सब्जेक्ट का नाम रहना चाहिए, ओनली सब्जेक्ट नेम, मतलब वहां पर भी नाम और फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है। तो सीए इंस्टीट्यूट ये चाहता है जो प्रोफेसर्स है अपने कोचिंग क्लास का वो एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, कोचिंग क्लास का नाम कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम या उनका फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए, उनका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। बोले इससे उनको प्रैक्टिस में मदद, प्रैक्टिस की पब्लिसिटी होती है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोफेसर से डील करता है तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि सीए इंस्टीट्यूट आज के डेट में काफ़ी सारे सेमिनार्स कंडक्ट करता है, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करता है ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अवेयरनेस पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर रहे, हर जगह पे अवेयरनेस रहे, क्या कोर्स है, कैसा होता है कोर्स, और एजुकेशन को लेवल को इम्प्रूव करने के लिए लगा हुआ है। वी आर ऑल्सो मेम्बर्स, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए इंस्टीट्यूट के मेम्बर्स हैं, और दिन रात एजुकेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इंटरेस्टिंग तरीके से और मज़ेदार तरीके से बच्चों को बताया जाए, उनको रिटेन किया जाए, और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इस दौरान सो ऑटोमेटिकली वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग द सी एजुकेशन, हम लोग भी सी एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, एंड इतने सारे प्रोफेसर्स हैं तो वो मिलकर जब ये काम करते हैं तो अक्रॉस इंडिया सीए का अवेयरनेस, सीए एजुकेशन का अवेयरनेस और बढ़ता है। तो सीए इंस्टीट्यूट भी एजुकेशनल अवेयरनेस चाहता है, हम भी एजुकेशनल अवेयरनेस चाहते हैं, तो वही अच्छा काम ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी सीए इंस्टीट्यूट हमसे नाराज, सीए इंस्टीट्यूट नहीं बोलूंगा, कुछ काउंसिल मेंबर्स शायद नाराज है, कुछ काउंसिल मेंबर्स, ठीक है, नाराज है इस बात से लेकर, नाराजगी की वजह, ठीक है, एक हो सकती है, कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, करेक्ट, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सीए इलेक्शंस काफ़ी आसानी से अचीव कर पाते हैं, जीत जाते हैं, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स में उनका अवेयरनेस रहता है, करेक्ट। तो शायद कोई काउंसिल मेंबर ये नहीं चाहता कि बोले ये अच्छी बात नहीं है, इतने आसानी से इलेक्शंस जीत जाते हैं और हम इतनी मेहनत करना पड़ता है,
करेक्ट, हो सकता है उस वजह से ये आया हो, ठीक है, ये मेरी पर्सनल, हो सकता है उस वजह से लाया गया हो। एनीवेज इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड लेट्स सी। करेक्ट, हम जानते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की कुछ चीज़ें एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हो सकता है ये भी उनमें से एक बन जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ एडिशन हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ही सिंपल सा एडिशन है। देखिए, जैसे ही आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको एक किताब आती है, इंस्टीट्यूट की तरफ से एक किताब मिलेगी आपको, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स की आपको एक किताब मिलती है, एज ऑन टुडे कोड ऑफ एथिक्स 2009 जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये किताब आपको मिलेगी, ये किताब के अंदर एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। हम जितने भी हमारे सर्विसेज देते हैं, ऑडिट सर्विसेज, सर्टिफिकेशन, जो भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, इसमें हमारा एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है। एथिकल रह पाएंगे तभी हम जाके अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, विल बी एबल टू गिव प्रॉपर सर्विसेज। तो एथिकल रहने के लिए कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये जो किताब मिलेगी आपको, ये किताब में आपको कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल रहने के लिए, वो उसमें दिए गए हैं। हर प्रिंसिपल से रिलेटेड छोटी सी बात की हुई है, ठीक है। ये पार्ट पहले मॉड्यूल में नहीं था तो इसको नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। एक आध कोई प्रोफेसर पढ़ाते भी होंगे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता, क्योंकि मॉड्यूल में जो चीज़ मॉड्यूल में है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होती है, ठीक है। तो अब इन्होंने उसको मॉड्यूल में लेके आए, मॉड्यूल में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर उन्होंने एथिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड जो चीज़ें, उसको इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। वो भी हमको पूरा नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। देखो, कोड ऑफ एथिक्स के बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी है, बहुत सारे प्रिंसिपल उसके अंदर है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में उतना ही है जितना मॉड्यूल ने एंटरटेन किया है। तो पार्ट ए में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एथिकल रहने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, वो प्रिंसिपल्स को बताया है, वो प्रिंसिपल्स को बताया गया है, करेक्ट, और उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये प्रिंसिपल्स सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, वो प्रोफेशन में हो, प्रोफेशनल काम कर रहे हो। प्रोफेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टू, मतलब हो सकता है खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो भी आप यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने चाहिए प्रोफेशनल्स के लिए भी है, और जो लोग बिजनेस में हैं, जो कुछ और बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ये दोनों के लिए है, ये प्रिंसिपल्स है, ये कोई लॉ नहीं है। इसका कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो कोई पनिशमेंट ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट एथिकल रहने के लिए ये फॉलो करना जरूरी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसा बताया गया। दोनों को प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स दोनों आएंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो जॉब कर रहे हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के लिए है, ठीक है। फिर पार्ट बी में समझाया है, पार्ट बी में वो लोग समझाते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स, कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको मुश्किल जाएगी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। थ्रेट्स क्या क्या थ्रेट्स होंगे, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें अनएथिकल एक्टिविटीज होने के चांसेस है, अनएथिकल चीजें होने के चांसेस है, वो थ्रेट्स और उनसे कैसे बचना, थ्रेट्स क्या है और उससे कैसे बचना, सेफ गार्ड्स,
सेफगार्ड्स क्या है प्रोफेशनल्स वालों के लिए, वो पार्ट बी में दिया हुआ है। पार्ट सी में भी वापस थ्रेट्स है और सेफगार्ड्स है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए। तो पार्ट बी में थ्रेट्स दिए हुए हैं कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये थ्रेट्स किसके लिए है? थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस के लिए। तो हमारे मॉड्यूल में इन्होंने क्या कवर किया है? मॉड्यूल में इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कवर किया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, ये पहले पढ़ चुके हम लोग। वी हैव स्टडीड दिस इन एस ए 200 एथिकल रिक्वायरमेंट्स के नाम से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, वही प्रिंसिपल्स है और उसके रिलेटेड बात दी है, बहुत आसान, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। थ्रेट्स, ये हल्की सी नई चीज़ है, थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, what could be the threats, ठीक है, कौन से circumstances में अनइथिकल चीज़ें हो सकती है, एथिक्स चैलेंज हो सकते हैं वो थ्रेट्स, और उनसे कैसे बचना चाहिए हमने, ये ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और पार्ट सी जो है हमारे मॉड्यूल में, पार्ट सी को कवर नहीं किया गया, मतलब पार्ट सी का सिर्फ रेफरेंस दिया है, तो हम लोग सिर्फ रेफरेंस ही देंगे, उसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, पढ़ने को बहुत कुछ है साहब, जितना हमारे मॉड्यूल में कवर्ड है वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी गाइस। तो सबसे पहला पार्ट ए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, करेक्ट, कि तीन पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए बी सी रहेगा। पार्ट ए के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताएंगे, बी के अंदर थ्रेट्स और सेफगार्ड है, सी के अंदर भी थ्रेट्स और सेफगार्ड है, बी प्रोफेशनल्स, थ्रेट प्रोफेशनल्स को क्या थ्रेट्स और सेफगार्ड हो सकते हैं, बिजनेस वालों, सी में बिजनेस वालों के लिए क्या थ्रेट्स और सेफगार्ड हो सकते हैं, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अगर पांच प्रिंसिपल्स हैं, अगर एथिकल रहना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बींग ऑनेस्ट, ठीक है, बींग ऑनेस्ट रहना, इंटीग्रिटी, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी सी और बातें करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर निष्पक्ष रहना, न्यूट्रल रहना, अनबायस्ड रहना, ना पर्सनल रिलेशंस और सबको बाजू में रख के, ठीक है, जो सही इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से रिपोर्ट को देना, अनबायस्ड रहना, इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो उस जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से काम करना, बींग ऑनेस्ट, अनबायस्ड रहना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, पूरे नॉलेज से, मेहनत, लगन से काम करना, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दिखाना, प्रोफेशनल बिहेवियर, कुछ भी ऐसा मत करो विच ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द इंस्टीट्यूट, और आखिरी में है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो बहुत आसान पांच है, अगर कोई निमोनिक्स बोलना चाहे तो उससे भी रख सकता है, ठीक है, OCBI, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, B फॉर बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, C इज अगेन फॉर कॉम्पिटेंस, दो C है, मतलब अगर कोई निमोनिक रखना चाहता है ये एथिकल प्रिंसिपल्स का, कोई अगर किसी को निमोनिक ही रखना है, ठीक है, तो OCBI, ठीक है, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स अगर समझने हैं तो किसको बुलाओ, OCBI को बुलाओ, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस से काम करना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, बी फॉर बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, आई फॉर आपका इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से काम करना। लेकिन मैं बोलूँ तो अगर कॉमन सेंस से भी याद रखोगे तो ये पांच प्रिंसिपल्स याद रहते हैं, ठीक है। तो बींग बहुत ज़रूरी है हमारे इसमें, हमारी रिपोर्ट्स ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है हमारे इसमें, हमारी जो रिपोर्ट्स है उनका ट्रस्टवर्दी रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिपोर्ट ट्रस्टवर्दी तभी होगी जब वो ऑनेस्टी से बनाई गई है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसी इन्फॉर्मेशन, सही है तो सही लिखा है, गलत है तो गलत लिखा है, तभी ऐसा हो पाएगा। इसलिए इस प्रिंसिपल के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं
कि ऑडिटर ने बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ऑनेस्टी ऑनेस्टी से अपना काम करना चाहिए और अपनी रिपोर्ट बनानी चाहिए। इससे जब उसको ऐसा पता चले, जब भी उसको ऐसा पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, प्रैक्टिस करते वक्त जॉब के अंदर जब भी कि उसका नाम लिखा जा रहा है, प्रिपेयर्ड बाय चेक्ड बाय, कहीं पर भी अगर उसका नाम लिखा जा रहा है, उसको एसोसिएट किया जा रहा है कोई ऐसे डॉक्यूमेंट से, कोई ऐसे रिपोर्ट से जो बहुत केयरलेसली बना हुआ है, बहुत ही केयरलेसली बना हुआ है, या फिर उसमें इंफॉर्मेशन को ओमिट किया गया है, ओमिट किया गया है, या फिर झूठी बातें लिखी हुई है, झूठी बातें। लिसन गाइज, अगर अपनी प्रैक्टिस करते वक्त या अपना जॉब करते वक्त अगर सीए का नाम किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से जोड़ा जा रहा है जो बहुत ही केयरलेस तरीके से बनाया गया है, जिसने बनाया बहुत केयरलेस तरीके से बनाया है, आपको पता है उस पर बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती, एक दिन में डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है, 2 दिन में बनता ही नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं होगी। आपको पता है कि उसमें झूठी बात ओमिशन है, कुछ बातें नहीं लिखी, छुपाई गई है या फिर गलत लिखी है, तो इमीडिएटली ही शुड गेट डिस असोसिएट। उसने उस असाइनमेंट उसने बोलना चाहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ, मैं इस कम्युनिकेशन से सहमत नहीं हूँ। इसने खुद को डिस असोसिएट कर लेना चाहिए, और अगर ऑडिट कर रहा है तो क्वालिफाई कर देना चाहिए, क्वालिफाई एडवाइस दे देना चाहिए, एज द केस में मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल, तो बहुत आसान था। ऑनेस्टी से रहो, इंटीग्रिटी से रहो, ठीक है, और जब भी ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है क्वालिफाई करो, नहीं तो अगर ऑडिट नहीं है तो फिर छोड़ दो ऐसे असाइन, खुद का नाम ऐसे रिपोर्ट्स के साथ कभी जुड़ने मत दो। ऑब्जेक्टिविटी, बींग अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम और गोल भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है बींग अनबायस्ड। सीपीटी को हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते नहीं, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, आंसर हम लोग गोला लगाते हैं, ठीक है, सर्कल करते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर चेक करता है, सॉफ्टवेयर चेक करता है, चेक करने वाला अनबायस्ड है, ठीक है, सबको एक जैसे मार्क मिलेंगे, लेकिन जब चेक करने वाला थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। हो सकता है आपने लिखा है, सामने वाले को इतना पसंद नहीं आया, ठीक है, ये नहीं, आंसर थोड़ा और बेहतर हो सकता है, किसी को हो सकता है बहुत ज्यादा पसंद आया, तो ओवरऑल थोड़ा सा 4-5 मार्क का फर्क शायद पड़ सकता है, 4-5 मार्क का फर्क शायद पड़ सकता है, आप जानते हैं बहुत बड़ी अहमियत होती है, इसलिए आईपीसी और फाइनल को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। सीपीटी में चेक करने वाले का बायस नहीं होता है, क्योंकि मशीन चेक करती है, इसलिए उसको हम लोग अनबायस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब ना झुकेंगे ना बिकेंगे, ऑब्जेक्टिविटी के लिए बेहतर है बींग अनबायस्ड। पर्सनल रिलेशंस के वैसे भी झुकने नहीं वाला हूं, तुम डराओगे धराओगे उसमें भी मैं झुकने नहीं वाला हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे कोई प्रेशर में इन्फ्लुएंस में आने वाला नहीं हूं, जैसा जो सच है वो इंटरप्रिट करके वही मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, उस इंडस्ट्री को, उस असाइनमेंट को लगने वाला जो भी नॉलेज है वो पूरा नॉलेज, ठीक है, अब हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरा नॉलेज गेन करेंगे, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, मेंटेन करेंगे, और अच्छे से केयरफुली केयरफुली सिस्टमेटिकली हम काम करेंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, पूरा पूरा नॉलेज, जो अगर नॉलेज चाहिए, अगर नॉलेज चाहिए क्लासेस, नॉलेज चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन लेंगे हम लोग, विल टेक दैट पर्टिकुलर नॉलेज, दैट क्वालिफिकेशन, हम लोग हमारे नॉलेज को अपडेट रखेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है, और अपडेट रहने के बाद में फिर हम लोग एक अच्छी रिपोर्ट देंगे, बहुत केयरफुली काम के बाद, बहुत केयरफुली काम करेंगे, सिस्टमेटिकली काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है, अच्छा समय देंगे उस पर, केयरफुल रह के काम करेंगे, ड्यू केयर के साथ फिर अपनी रिपोर्ट देंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, पहले नॉलेज लेना पड़ता है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो फर्स्ट टेक नॉलेज, देन मेंटेन इट, चेंजेस जो आते रहते हैं, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, केयरफुली उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके, और हम नॉट जस्ट अस, नॉट जस्ट अस, हमारे जो एम्प्लॉयज है, हमारी जो टीम है, उन सब ने नॉलेज लेना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए, नॉट जस्ट अस। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, बहुत डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
नहीं मेंटेन करोगे तो लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। दो एक्सेप्शन है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ बोलता है तो हम, लॉ अगर बोलता है तो हम सामने वाले के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट, क्लाइंट खुद बोलता है कि आप शेयर करो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दो ही एक्सेप्शन है कॉन्फिडेंस, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ बोलता है, जैसे फ्रॉड रिपोर्टिंग में लॉ बोलता है, कंपनी में, कंपनी के अंदर जो फ्रॉड हो बताओ तो बताना पड़ेगा क्योंकि लॉ बोलता है, ठीक है। पीयर रिव्यू में क्लाइंट, हमको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है, पीयर रिव्यू वाले को बतानी पड़ती है रिव्यूअर को, ठीक है, इंस्टीट्यूट के स्टेटमेंट बोलता है। क्वालिटी रिव्यू है, क्वालिटी रिव्यू के अंदर लॉ बोलता है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो आप बिल्कुल दीजिए, और परमिटेड बाय क्लाइंट, क्लाइंट अगर खुद रिटर्न परमिशन देता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करिए तो बिल्कुल करिए, कोई चिंता की बात नहीं। बी केयरफुल, नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में भी आप ये इन्फॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज मत करिए, यू शुड नॉट डिस्क्लोज इट, किसी को भी डिस्क्लोज आपने करना नहीं चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कंटिन्यूस है, पुराना क्लाइंट होगा उसकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोगों ने मेंटेन करनी चाहिए। डिस्क्लोज करना भी है तो आपको डिस्क्लोज करना भी, अगर आपको अगर अलाउ होता है लॉ के हिसाब से या फिर परमिशन मिलती है तो भी केयरफुल, कितने लोग इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड पार्टीज, किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं होगा हम शेयर करेंगे ऐसा, तो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमको पता है ना कि सही में रिलायबल है, भरोसेमंद है शेयर करने से पहले, और कम्युनिकेट कैसे करना वो भी देखना पड़ेगा कि कुछ ही लोगों को मिले जिनको लिए इम्पोर्टेंट थी उनको इन्फॉर्मेशन मिले। आखिरी में प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाइए, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाइए, काम लेते वक्त, काम करते वक्त, काम होने के बाद में कहीं पर भी ऐसा कुछ ना करें विच डिसरेप्यूट द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाइए, काम लेते वक्त आपने बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोमिसेस कर दिए, हम कभी आप, हम वी विल ऑलवेज गिव यू क्लीन रिपोर्ट इफ़ यू गिव अस असाइनमेंट, ऐसा करेंगे तो बहुत ही बेकार है, दिस नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। आप ब्राइब्स पे कर रहे हैं, दिस इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर, आप काम के लिए ब्राइब्स पे कर रहे हैं, ठीक है, अनएथिकल एक्टिविटीज, ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। फिर काम मिलने के बाद में आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हो, ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। काम के लिए आप बहुत ज़्यादा क्लेम्स कर रहे हो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एग्जैगरेटेड, दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। रिपोर्ट देने के लिए आप तंग कर रहे हो सामने वाले को, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर। ना काम लेते वक्त कुछ गलत काम करो, ना काम करते हो कुछ गलत काम करो, ना रिपोर्ट देते हो कुछ गलत काम करो। तो बहुत आसान है साहब, अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, तो पांच सिंपल से प्रिंसिपल्स और उनसे मिलती जुलती बातें हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वी हैव स्टडीड ऑल दिस, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है, पब्लिक प्रैक्टिस में है, अगर पब्लिक प्रैक्टिस में इन सेंस की अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर ऐसा आप कुछ आप कर रहे हो, तो क्या थ्रेट्स, पार्ट बी, क्या थ्रेट्स, व्हाट थ्रेट्स यू कैन एनकाउंटर, कौन से थ्रेट्स आपको आ सकते, कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप चार्ट अकाउंटेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप जानते हो कि आपको पार्ट ए के हिसाब से पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करके चलना है, आपके सामने ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस, ऐसे कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने ना दे, जो आपको अनइथिकल होने पर मजबूर करे, उसको हम थ्रेट्स बोलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस यू कैन एनकाउंटर जो आपको मजबूर करते गलत काम करने के लिए, देयर थ्रेट्स, पांच तरह के थ्रेट्स है, पांच तरह के थ्रेट्स है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। एक एक करके समझते हैं, बहुत 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 आसान है, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसे सिचुएशंस जहां पे ऑडिटर का खुद का बेनिफिट, ठीक है, जहां पे ऑडिटर का खुद का बेनिफिट अटैच्ड है क्लाइंट के साथ में, अगर ऐसा ही खुद का बेनिफिट क्लाइंट के साथ में अटैच्ड है, ऐसे सिचुएशन में खुद के बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी वो क्लाइंट की सच्ची रिपोर्ट,
क्लाइंट के क्लाइंट की सच्ची रिपोर्ट, गलत भी होगा कुछ तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा, वो सच्ची रिपोर्ट नहीं देगा, एक सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि खुद का इंटरेस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंटरेस्ट? सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन वेयर ऑडिटर्स ओन पर्सनल बेनिफिट इज इन्वॉल्व्ड, पर्सनल बेनिफिट इज इन्वॉल्व्ड इन द क्लाइंट, इन सच सर्कमस्टांसेस ही विल हेजिटेट टू गिव रियल रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट प्रॉपर रिपोर्ट, ठीक है, ऑन द क्लाइंट्स बिजनेस, ऑन द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर खुद किसी कंपनी में शेयर्स में पैसे ला के बैठे, हम जानते हैं डिस्क्वालीफाई होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं ठीक है, सब जगह पे ऐसे रूल्स जरूरी थोड़ी है, ठीक है, अगर अगर शेयर्स में पैसा ला के बैठे, डिबेंचर्स में पैसा ला के बैठे, लोन देकर बैठे, ठीक है, अगर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर्स में पैसा ला के बैठा है, डिबेंचर्स में पैसा ला के बैठा है, लोन में पैसा ला के बैठा हुआ है, ठीक है, अगर इस तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, पैसा लाकर बैठा हुआ है बंदा, करेक्ट, या तो सीधा क्लाइंट को दिया है या उसके डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स को दिया हुआ है, पैसा ला के बैठा है, तो वो हिचकिचाएगा सच्ची रिपोर्ट देने में, क्योंकि अगर सच्ची रिपोर्ट देगा कंपनी को नुकसान होगा, तो उसके पैसे डूबने के चांसेस है। या फिर बिजनेस रिलेशनशिप है, पैसा ला के बैठे हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, लोन में पैसा ला के बैठे, या फिर करेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है, सामने वाला सप्लायर है, ठीक है, या फिर आप उसके कस्टमर हो, ऐसा अगर है, या फिर पता है कि ये अगर मैं इससे अच्छा रहूँगा तो आगे मेरे को पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ये मुझे जॉब दे सकता है, ये मुझे फ्यूचर जॉब दे सकता है। बहुत सारी फीस यही से आती है क्लाइंट से, सपोज 60-70% फीस एक ही क्लाइंट से आ रही है, बहुत सारी फीस कॉन्टिंजेंट है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, करेक्ट। ये ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरेस्ट फंसा पड़ा है क्लाइंट के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेनिफिट, उसकी इनकम, उसकी वेल्थ फंसा पड़ा है क्लाइंट के पास। ऐसे सर्कमस्टांसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सच्ची रिपोर्ट नहीं दे पाएगा, एक ऑनेस्ट रिपोर्ट नहीं दे पाएगा, एथिकल रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब बेनिफिट ऑफ द चार्ट, हिज ओन बेनिफिट ऑफ द चार्ट अकाउंटेंट इज बींग स्टक विद द एंटिटी, करेक्ट। खुद के पैसे लगाना शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, लोन्स के अंदर, कहीं पर भी पैसे लगाना इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। बिजनेस रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगी, इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। फ्यूचर जॉब मिल सकता हो नहीं मिलेगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। टोटल फीस बहुत ज़्यादा आ रही है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कॉन्टिन फीस है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस और चांसेस है जिसमें आपने जो काम किया था पहले, आपने जो काम किया था, एडवाइस दिया था, ठीक है, उसी की चेकिंग आप कर रहे हो। सेल्फ रिव्यू, आप ही खुद चेक करने वाले हो और आप खुद की गलती नहीं मानोगे, इसलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया है, अगर आपने पूरे कंपनी का इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरे डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, इनकम एक्सपेंस की जानकारी कहाँ से आएंगी, वाउचर्स कैसे बनेंगे, कौन से बुक्स में एंट्री होंगी, फिर अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, चीज़ें टैली कैसे होगी, आपने पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया। अगर आपने पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया और आप ही उसको चेक करने जा रहे हो, और अगर आप ही उसको चेक करने के लिए जा रहे हो, तो आप खुद का काम चेक कर रहे हो इनडायरेक्टली, आप सच्ची रिपोर्ट नहीं दे पाओगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा। आपने ओरिजिनल डेटा, आप एक रिपोर्ट, आप फाइनेंस, ठीक है, आपने ओरिजिनल डेटा बनाया, सपोज आपने पूरा फिक्स एसेट का डेटा बनाया और अब आप ही उसका ऑडिट कर रहे हो, आपने पूरा फिक्स एसेट का पूरा रिकॉर्ड्स, पूरा सब कुछ बनाया, अभी आप ही उसका ऑडिट कर रहे हो। इफ यू आर ओनली गोइंग टू ऑडिट, देयर इज अगेन अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। रिसेंटली क्लाइंट का एक बंदा हमारी टीम में ज्वाइन किया, क्लाइंट का एक बंदा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदा हमारी टीम में ज्वाइन किया उसने। अब
अभी अभी छोड़ के आया, अभी अभी वो काम कर रहा था, अब वो ऑडिटर बन गया। हो सकता है कि उसको खुद का काम चेक करना पड़े कुछ महीनों का पुराना, अगेन एज ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, या फिर उल्टा हो रहा है, वहां के बंदे ने हमको ज्वाइन किया, या सॉरी हमारे बंदे ने उनको ज्वाइन किया, तो अपना ही हमारे बंदे ने उनको ज्वाइन किया सामने वाले को, ठीक है। अब सामने वाला जिसकी एडवाइस हम इतना फॉलो करते थे, उसको पूरा मानते थे, उसको अब गलत कैसे बोलेंगे, उसको कैसे निगेटिव बोलेंगे, उसको गलत बोलना मतलब हमारी जो पहले की पॉलिसीज थी वो गलत हो जाएंगी, ऐसा बोलना, अगेन सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपनी पुरानी गलतियां मिल रही है, पिछले ऑडिट की अपनी गलतियां मिल रही है, कैसे लोगों को बताए, तो छुपा दो उसको, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसे चांसेस जिसमें हम सच को छु पर ऐसे सरकमस्टांसेस चांसेस जिसमें हम लोग, ठीक है, हम लोग खुद का काम ही चेक करने वाले हैं, खुद का काम चेक करें तो हम लोग सच को छुपा देंगे और रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे होने के चांस को बोलते सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हमने पूरा ऑपरेटिंग फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन किया था, अभी हम ही ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, हम शायद सच्ची रिपोर्ट ना दे पाए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ओरिजिनल डेटा हमने बनाया, हम ही ऑडिट कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। हमारा बंदा, उनके बंदे ने हमको ज्वाइन किया, वो खुद की गलती नहीं पकड़ेगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हमने उसको ज्वाइन किया, ठीक है, हमारे बंदे ने उनको ज्वाइन किया, ऐसे केस में वापस हम हमारे बंदे गलती नहीं निकल पाएंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट, जिसकी हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट आईपीओ ला रहा है, एक डिपार्टमेंट कंपनी का आईपीओ ला रहा है, दिन रात मार्केट में तारीफ कर रहा है, सुपर कंपनी है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, फायदा ही फायदा है, जबरदस्त फायदा है, 2 बार हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिस्ट होगा। एक तरफ हम कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑडिट कैसे करेंगे, करेक्ट। एडवोकेसी थ्रेट, जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूं उसकी चेकिंग कर रहा हूं, या तो प्रमोशन अच्छे से कर सकते हो तो चेकिंग दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज अगेन अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। एक जगह मैं कंपनी का केस जीत रहा, केस लड़ रहा हूं लिटिगेशन में, कंपनी अच्छी है, ऐसा है वैसा, सिस्टम बहुत अच्छा है, और दूसरी तरफ मैं ही प्रोटेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं ही उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूं और मैं ही उनके रिकॉर्ड्स भी चेक कर रहा हूं, दैट इज अगेन एडवोकेसी थ्रेट। आप ही सपोर्ट कर रहे एक तरफ कंपनी को, फिर आप ही अपोज कर रहे। फैमिलियरिटी थ्रेट्स, लंबे समय तक अगर डायरेक्टर्स और पार्टनर्स क्लोज रहे तो इतने फैमिलियर हो जाते हैं, बराबर बच्चों की आपस में शादियां होने लग जाती, इतने फैमिलियर हो जाते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। फैमिलिटी थ्रेट, डायरेक्टर साथ में बहुत क्लोज है, फैमिलिटी थ्रेट, एम्प्लॉयज के साथ में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, फैमिलियरिटी थ्रेट। फॉर्मर पार्टनर ऑफ द फर्म, डायरेक्टर वहां पे अगर ज्वाइन करता है, अरे ये तो अपने बॉस ने ज्वाइन किया है, फैमिलिटी थ्रेट। क्लाइंट से बहुत ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, फैमिलिटी थ्रेट। लंबे समय से जुड़े हैं, फैमिलिटी थ्रेट। अगर बहुत क्लोज रिलेशनशिप बच जाते हैं तो हम शायद सच्ची रिपोर्ट ना दे पाए, असर पड़े, फैमिलिटी थ्रेट, ठीक है। इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, निकाल देंगे तुमको, तुमको निकाल के नए बंदे को रख देंगे, तुमको रिप्लेस कर देंगे, तुम्हारे ऊपर केस डाल देंगे, ठीक है, तुम्हारी फीस कम कर देंगे, अगर ऐसा डालते प्रेशर, उसको बोलते इंटिमिडेशन, दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। समझ रहे हैं आप साहब, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 5 तरह के थ्रेट्स है, देयर 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। खुद का पैसा लगाया, खुद का इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। खुद का ही काम चेक करने की बारी आ रही है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। फिर अपन जिसको प्रमोट कर रहे हैं उस पर रिपोर्ट देना है, एडवोकेसी थ्रेट। बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो गए, फैमिलियरिटी थ्रेट। ऐसे अलग अलग आपके थ्रेट्स हैं साहब, और आखिरी में डराया धमकाया जा रहा है, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो ऑडिटर ने खुद को ऐसे सर्कमस्टांसेस से बचाना चाहिए। ऑडिटर शुड नॉट, ऑडिटर ये बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुद को ऐसे सर्कमस्टांसेस से बचाना चाहिए। ऐसे सर्कमस्टांसेस में खुद को एंटर ही नहीं होने देना चाहिए, खुद को एंटर ही नहीं होना चाहिए। ही शुड स्टे अवे फ्रॉम सच थ्रेट्स। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि जिसमें ऑडिटर एथिकली काम ना करे, एथिकली काम ना करे, सच्ची रिपोर्ट ना दे, झूठी रिपोर्ट्स दे,
तो ऐसे चीज से दूर रहो ना यार, स्टे अवे फ्रॉम दिस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऐसे सरकमस्टांसेस, थ्रेट्स वाले सरकमस्टांस से कैसे दूर रखना, इसके लिए सेफगार्ड्स, ठीक है? सेफगार्ड मतलब सेफ, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को थ्रेट से सेफ रखना, कैसे सेफ रखना, उसके लिए सेफगार्ड्स। बहुत सारे सेफगार्ड्स तो हमारे लॉ में हैं, लॉ लॉ रूल्स रेगुलेशंस में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमारे डिस्क्वालिफिकेशंस है, डिस्क्वालिफिकेशंस ऐसे बनाए गए हैं, शेयर्स में पैसा लगाया तो तू ऑडिट नहीं कर सकता, डिबेंचर में पैसा लगाया तो तू ऑडिट नहीं कर सकता, तू कंपनी का डायरेक्टर है तो तू ऑडिट नहीं कर सकता, तू कंपनी का एम्प्लॉय है तो तू ऑडिट नहीं कर सकता, जो डिस्क्वालिफिकेशंस है लॉ के अंदर। जो डिस्क्वालिफिकेशंस क्यों है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए बनाया है ताकि थ्रेट्स वाली सिचुएशन से दूर रहे। अगर तुम थ्रेट्स वाली सिचुएशन में आए तो तुम ऑडिट कर ही नहीं सकते, तुम काम कर ही नहीं सकते, ठीक है? हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, सीए एक्ट के अंदर ऐसा है, करेक्ट, कि आप सीए एक्ट के अंदर ऐसा है कि आपके जो नॉन ऑडिट फीस है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज कंपेयर टू योर कंपनी ऑडिट फीस। नॉन ऑडिट फीस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर नॉन ऑडिट फीस ज्यादा है तो आप ऑडिट के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो हमारे लॉ के अंदर लॉ सेफगार्ड्स मतलब कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को थ्रेट्स वाले सरकमस्टांसेस से प्रोटेक्ट करना, सेव करना। लॉ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बहुत बने हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर, सीए एक्ट के अंदर ऐसे रूल्स रेगुलेशन बने हैं कि जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इसके अलावा सीए फर्म्स की भी जिम्मेदारी है। सीए फर्म्स की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा करे कि उनके उनके जो मेंबर्स है, सीए फर्म के मेंबर्स है, खुद को, ठीक है, थ्रेट से दूर रखे। कैसे कर सकते हम लोग ये लीडर्स, ठीक है? सबसे पहले जो सीए फर्म्स के अंदर जो सीनियर पार्टनर्स है, लीडर्स बोलते हैं, उन्होंने बार बार अपने कम्युनिकेशन में एम्फोसाइज करना चाहिए थ्रेट्स वाले सिचुएशन से दूर रहो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फैमिली थ्रेट, इंटीमिडेशन थ्रेट्स, ऐसे सरकमस्टांसेस से दूर रहो, ठीक है? ऐसे सरकमस्टांसेस से दूर रहना चाहिए, करेक्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, सच्चाई के लिए काम करना चाहिए, एथिकल रहने के लिए काम करना चाहिए। पॉलिसी रहनी चाहिए फर्म की, खुद की पॉलिसी रहनी चाहिए, देयर शुड बी फर्म्स पॉलिसी। फर्म्स की पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आपने पैसे लगाए तो आप वहां पे काम नहीं करेंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप काम नहीं करेंगे, लोन दिया है तो आप काम नहीं करेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप काम नहीं करेंगे। पॉलिसीज होनी चाहिए, लीडर्स ने बोलना चाहिए, पॉलिसी सेट करनी चाहिए। जैसे जो लॉ है, लॉ की सारी रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर्स को लगती है, सीए फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनको लगती है। फर्म्स ने एक कदम आगे जाना चाहिए, टीम मेंबर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट्स बनानी चाहिए कि टीम मेंबर्स के पास भी शेयर्स नहीं होने चाहिए, टीम मेंबर्स के पास भी डिबेंचर्स नहीं होने चाहिए, टीम मेंबर्स ने भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए, उसको पीरियोडिकली उसको कम्युनिकेट करना चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज विच विल इंश्योर दैट टीम मेंबर्स आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द थ्रेट्स, थ्रेट से वो दूर रहे। उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करिए, बताइए उसे, अच्छे से डॉक्यूमेंट करके बताइए। बराबर पॉलिसी सेट करनी चाहिए कि भाई उसी क्लाइंट से कोई एम्प्लॉय आया तो उसके अंदर, ठीक है, 2 साल तक वो क्लाइंट पे ऑडिट के लिए ना जाए, वो 2 साल तक ऑडिट के लिए ना जाए, ठीक है? अग्रीमेंट्स के अंदर लिखा होना चाहिए कि अगर आप जॉब छोड़ते हो सीए फर्म से तो आप आपके क्लाइंट को ज्वाइन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ज्वाइन द क्लाइंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा आप लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे, इफ यू मेक सच थिंग्स, तो थ्रेट से बचा पाएंगे, लीडर्स जिम्मेदारी लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो थ्रेट से बचा पाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन है तो बराबर कि जो अच्छे जो ऐसा काम करेंगे उनको हम प्रमोशन देंगे, तो हम थ्रेट से बचा पाएंगे, ठीक है? अगर पॉलिसीज बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे तो हम थ्रेट से बचा पाएंगे। रेगुलर बेस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि सेल्फ इंटरेस्ट वाली थ्रेट्स तो नहीं है कहीं पर भी, सेल्फ रिव्यू वाली पूरा तुमने ही सिस्टम सेट किया, तुम ही चेक कर रहे हैं, तुमने ही फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया, तुम ही चेक कर रहे हैं, तुम उसका आईपीओ भी संभाल रहे हो और ऑडिट भी संभाल रहे हैं, तुम उनके केस भी लड़ रहे हो और तुमको ऑडिट भी संभाल रहे हैं। एडवोकेसी थ्रेट्स वाले, उनसे धमकी धमकी आ रही है उनसे, तो भी तुम काम कर रहे हैं। तो ऐसे सरकमस्टांस को मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन होनी चाहिए कि भैया कहीं पर भी थ्रेट्स वाली सिचुएशन तो नहीं आ रही है ना, और यू कैन हैव सीनियर पीपल कि अगर थ्रेट्स वाली सिचुएशन आई तो कौन हेल्प करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में कौन सा पार्टनर हेल्प करेगा, फैमिली थ्रेट में कौन सा पार्टनर हेल्प करेगा, इंटिमिडेशन में कौन सा पार्टनर हेल्प करेगा, ऐसी एक लिस्ट हो सकती है।
तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, सिस्टम मॉनिटर करेंगे कि ऐसे थ्रेट्स तो कहीं पे नहीं आ रहे, टाइम पे अगर हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेंगे तो इन सब से हम बच सकते हैं। डिसिप्लिन मैकेनिज्म जो लोग जानबूझ के ऐसे सिचुएशन में गिर रहे हैं उनको पनिश करने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें से हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द कंप्लीट सीए फर्म। तो लॉ के अंदर, रूल्स रेगुलेशंस के अंदर तो ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन कि जो प्रोटेक्ट करते चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को थ्रेट से। लेकिन फर्म के अंदर भी ऐसा माहौल होना चाहिए, लीडर्स ने ऐसी बातें बोलनी चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, सिस्टम्स होने चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। लोग फॉलो करें तो उनको अवार्ड देना चाहिए, लोग फॉलो नहीं करें तो उनको पनिश करना चाहिए, डिसिप्लिन मैकेनिज्म होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, रेगुलर बेस पे पॉलिसीज को अपडेट करना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल सेफगार्ड्स, फर्म के खुद के इंटरनल सेफगार्ड्स है। एंगेजमेंट स्पेसिफिक, ये ओवरऑल फर्म के अंदर ऐसी चीजें लाना कि ओवरऑल फर्म में अच्छा माहौल बने, एथिकल माहौल बने और हम थ्रेट से दूर रहे। अब स्पेसिफिक असाइनमेंट, एक असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट में कैसे एथिकल माहौल बना के रखना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बना के रखना, ठीक है। आप जब भी आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, आप अकेले शायद थोड़े बायस्ड हो सकते हैं, इसलिए जब भी जो कंटेंटियस मैटर्स होते हैं, बहुत ही रिस्की मैटर्स है, डाउटफुल मैटर्स है, कंसल्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। जितना कंसल्टेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज एंड अदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जहां जहां पे बहुत ही ट्रिकी मैटर्स है, रिस्की मैटर्स है, जितना ज्यादा कंसल्टेशंस करेंगे कि हम कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, जितना आप कंसल्टेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उतने बेहतर डिसीजंस आप लेंगे, ठीक है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कॉन्फिडेंस मिलो। देखिए, हमारे पास में शेयर्स पहले हुआ करते थे, अब शेयर्स नहीं है, ठीक है। TCWG दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट को चिंता होती है ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे कम्युनिकेशन करिए, उनकी सलाह मानिए, तो आप और एथिकल रह पाएंगे। बाहर के थर्ड पार्टी से बात करो, कंपनी की TCW से बात करो, उनको बताओ कि हम कितना अर्न करते हैं, ऑडिट फीस से कितना, बाहर से कितना अर्न करते हैं, ठीक है। काम होने के बाद प्रोफेशनल अकाउंट, थर्ड पार्टी रिव्यूज का आपने ऐसे 220 पढ़ा है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, बाहर से प्रोफेशनल्स को लाइए, अपना काम चेक करवाइए, ये देखने के लिए कि हमने कोई बायस्ड डिसीजन तो नहीं लिया, गलत डिसीजन तो हमने नहीं लिया है। दूसरे फर्म से अपना काम फिर से करवाइए। रोटेटिंग सीनियर अश्योरेंस पर्सनल, जैसे SQC 1 में है कि पार्टनर चेंज होना चाहिए हर 7 साल में, ठीक है। आप फर्म लेवल पे अच्छा माहौल बने, हर असाइनमेंट में अच्छा माहौल बने, उसके लिए आपने है असाइनमेंट स्पेसिफिक, असाइनमेंट में कोई गड़बड़ ना हो, कंसल्टेशन आप कराइए, गलत डिसीजन से रुकोगे, TCW से कंसल्ट, गलत डिसीजन से आप वे करोगे, उनको सारी बातें बताइए, ठीक है। अपना काम रिव्यू करवाइए बाहर वालों से, फिर से जो आपने काम किया और रीपरफॉर्म करवाइए, ताकि ये देखने के लिए आपने कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे उसमें गलती तो नहीं की। सीनियर्स पार्टनर को रोटेट कराइए, जितना आप रोटेट करवाएंगे उतना फैमिलियरिटी थ्रेट कम होगा। क्या वह लॉन्ग एसोसिएशन बन जाता है ना, लंबे समय से जब हम काम करते हैं तो फैमिलियर हो जाते हैं, उसको फैमिलियरिटी थ्रेट बोलते हैं, करेक्ट। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर भी सेम तरह के थ्रेट्स है, सेम तरह के थ्रेट्स है, सिमिलर करके थ्रेट्स और सेफगार्ड्स है। हमारे मॉड्यूल में इसको अलग से उन्होंने कवर नहीं किया है, हमारे मॉड्यूल में इसको अलग से कवर नहीं किया है, हम भी इसको कवर नहीं करेंगे। सिर्फ पार्ट सी के अंदर बिजनेस से रिलेटेड थ्रेट, बिजनेस करते हुए क्या थ्रेट्स और क्या सेफगार्ड्स रहेंगे वो एक्सप्लेन किया हुआ है। नो नीड टू गो इनटू दैट, क्योंकि मॉड्यूल में कवर्ड ही नहीं है। देखिए साहब, ये थ्योरी पोर्शन है, इसमें से कितना आएगा ये डाउटफुल है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स का है इसलिए हमने उसके ऊपर ध्यान दिया है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लगता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो लगते हैं मुझे, ये टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, ठीक है, 5 तरह के थ्रेट्स हैं, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, इसमें से एक दो थ्रेट्स को टारगेट कर सकते हैं, उसके एग्जांपल बताइए, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। We'll be right back.